कैसे क्रिकेट की दुनिया पर अपना राज कायम करने के लिए किस किस तरह की पॉलिटिक्स, किस किस तरह की साजिशें कर रहे हैं। मुझे इस हरामजादी से इश्क हो गया है। तो ये सिंपली पाकिस्तान को कॉर्नर करने की कोशिश की। आपका मतलब पॉलिटिकल कॉनोटेशन है? छोड़े यार पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट। प्राइम मिनिस्टर क्या कहते हैं कि ना वो खुद झुकेंगे ना अपनी कौम को दुनिया के सामने झुकने देंगे, ये चीज। और पाकिस्तान से आलमी कुव्वतों को मसला ये कि पाकिस्तान ने उन्हें क्या कह दिया और क्यों कह दिया? एब्सोल्युटली नॉट, क्यों कह दिया? लेकिन अब जो भी हो जाए, पाकिस्तान सच पर समझौता नहीं करेगा, इज्जत पर समझौता नहीं करेगा, हक सच की बात करता रहेगा। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। जब भी मैं पाकिस्तान मीडिया देखता हूं तब मुझे पता चलता है कि मेरा देश भारत क्या क्या कर सकता है और क्या क्या कर रहा है वो, और कितनी उसका पावरफुल है, कितना ताकतवर है। और हम पे बिल्कुल बारीकी से नजर रखने वाला हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान, वहाँ की एक पत्रकार है फिजा अकबर खान। मजा आया। वहाँ पे अगर पाकिस्तान में किसी को छींक भी आ जाती है तो उसका जिम्मेदार आपको पता कौन होता है? वो होता है नरेंद्र मोदी, अजीत डोवाल, बीसीसीआई और रॉ। ये चार पांच लोग भारत के जिम्मेदार होते हैं कि उसको छींक आई है। इसमें भारत की साजिश होती है, हर चीज में उन्हें भारत की साजिश नजर आती है, लेकिन ये खुद कभी नहीं सुधरते हैं। ये जितना आतंकवादियों को सपोर्ट करते हैं, इतना पूरी दुनिया के अंदर कोई मुल्क इतना सपोर्ट नहीं करता। ये अपने आप को अपनी ISI सुरक्षा एजेंसी को दुनिया की बेस्ट एजेंसी बताते हैं, और बिल्कुल सही बताते हैं। ये उसका रीजन ये है कि इन्होंने 10 साल तक लादेन को छुपा के रखा, वही पूरी दुनिया से, अमेरिका से, FBI से वो तक ढूंढ नहीं पाई, तो भाई मानना पड़ेगा एक नंबर एजेंसी है, लेकिन आतंकवादियों के लिए, हमारे लिए नहीं है। तो ऐसे ही हमारी प्यारी राम दुलारी ने, फिजा अकबर खान ने फिर से बिलबिलाई है, क्योंकि इमरान खान की बेइज्जती कर दी न्यूजीलैंड गवर्नमेंट ने, तो ये तड़प गई है, बिलबिला गई है। लेकिन फोन लगाया इमरान खान ने, न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री को इंसल्ट करिए न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री ने, लेकिन ये सारा दोष नरेंद्र मोदी का है, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने साजिश की है, नरेंद्र मोदी की प्लानिंग है, नरेंद्र मोदी ने ही सब कुछ किया है, ऐसा हमारी फिजा की मैडम का मानना है। वाह मोदी जी वाह। तो फिजा मैडम के जो ये बड़बड़ी है, ये बड़बड़ करती है, काफी आनंद आता है। फिजा खान का हम एक बार फिर से स्वागत करते हैं, और ये आज बुरी तरीके से बौखलाई हुई है। साथ में हमको मिलेंगे शोएब अख्तर जी, जो मिलेंगे आगे। शोएब अख्तर भी भड़बड़ाया हुआ है, भिनभिनाया हुआ है, खिंचा हुआ है एकदम से, क्योंकि इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के तमाचे के बाद में उनको सबको ये लगता है कि ये क्रिकेट पे हमला नहीं बल्कि हमारे देश पे हमला है, और तुम पालो आतंकवाद, बस यही मिलने वाला है तुमको। तो दोस्तों वीडियो आप देखिए, आपका भाई अब सीधा मिलेगा आपको वीडियो के एंड में, बीच में कोई एडिटिंग नहीं है, सीधा फ्लैट न्यूज है, क्योंकि मैं डिस्टर्ब करना नहीं चाहता हूं। और काफी लोग कहते हैं भी है कि थोड़ी न्यूज भी आने दिया करो, बाद में उंगली किया करो एडिटिंग वाली, तो इसमें कोई एडिटिंग नहीं है। 2009 के बाद पाकिस्तान में जो इंटरनेशनल क्रिकेट है उसके दरवाजे बंद कर दिए गए, जब श्रीलंकन टीम पर हमला हुआ था लाहौर में, आपको याद होगा। और जो बैन अल-अक़वामी टीमें हैं, इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ बाकायदा एक एका कर लिया था और पाकिस्तान आकर खेलने से इनकार कर दिया था। अब उस दौरान पाकिस्तान क्रिकेट को बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन पाकिस्तान ने उस वक्त, और अगर पाकिस्तान कहानी में उस मेंढक की तरह हिम्मत हार जाता जो कुएं से निकलने की पूरी कोशिश करने से पहले हौसला हार गया, लेकिन पाकिस्तान ने अपने मैदान में क्रिकेट की रौनक की बहाली की उम्मीद के साथ जो न्यूट्रल मकाम थे उस पर मेजबानी के फ़र्ज अंजाम, अबू धाबी को अपनी मेजबानी का मस्कन बना, और तमाम तर कहने की ज्यादतियों के बावजूद खुले दिल के मेहमान टीम को वेलकम किया। जब पाकिस्तान की क्रिकेट की टीम पर अच्छा वक्त आने लगा, पाकिस्तान को सब्र का फल मिलने लगा, तो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने वाले एक बार फिर से उतरे, और उन्होंने पाकिस्तान के आबाद होते मैदान करने के लिए साजिश की, नई टीमें शुरू कर दी। पहले न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान से मुंह मोड़ा, क्रिकेट शायकीन को दुखी किया। अच्छा अगली बात नाजिन, न्यूजीलैंड की टीम जिस सिक्योरिटी हिसार में पाकिस्तान आई, उसी सिक्योरिटी हिसार में वापस एयरपोर्ट तक भी पहुंची, ऐसा ही है ना? अब हैरानी वाली बात नहीं कि जिस सिक्योरिटी को बुनियाद बनाकर ये टीम न्यूजीलैंड ने क्रिकेट खेलने से इनकार किया था, वही सिक्योरिटी का सहारा लेकर, उसी सिक्योरिटी का सहारा लेकर ये वतन वापस भी पहुंच, इन्हें कुछ नहीं हुआ। इससे साफ जाहिर होता है कि मसला सिक्योरिटी का तो था ही, मसला था नीयत में फतूर का, नीयत ही खराब थी इनकी, मसला गेम में भी सियासत लाने का था, मसला पाकिस्तान को डाउन करने का था, यानी गेम में भी पाकिस्तान के साथ गेम करने की कोशिश। और न्यूजीलैंड के बाद इंग्लैंड ने भी यही, जिसका खदशा पहले से जाहिर किया जा रहा, यानी खरबूजे को देखकर खरबूजे के रंग पकड़ने वाला मामला नहीं था, बल्कि जो न्यूजीलैंड की जो टीम है, इसके बाद इंग्लैंड ने भी पाकिस्तान आने से इनकार किया। अब जरा गौर कीजिएगा, इसकी पेशगोई शेख रशीद साहब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहले ही कर चुके हैं, और उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि इंग्लैंड टीम की पाकिस्तान आने की कोई उम्मीद नहीं है, और हुआ भी है, यानी पहले से पता था कि ये होगा, ये किया जाएगा, और ये प्री प्लान्ड। लेकिन रमीज राजा साहब सारी गेम को अच्छे तरीके से, इसलिए न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की क्रिकेट जो इंतजाम
उस पर टूट कर बरस और सख्त हालात की झुकने को तैयार। अच्छा चेयरमैन पीसीबी किस तरह इंग्लैंड और न्यूजीलैंड को आड़े हाथों ले रहे हैं, जिस तरह लेना चाहिए था, जरा चलाएगा क्लिप में। अच्छा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रमीज राजा ने इंग्लैंड क्रिकेट टीम जो है उसकी जानिब से पाकिस्तान के दौरे की मनसूखी पर ये जो रद्द अमल दी वो आपने सुना। अब इसमें कुछ शक वाली बात नहीं कि इंग्लैंड के दस्तबरदार होने के फैसले से ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर के जो शायकीन क्रिकेट हैं उनको बहुत ज्यादा मायूसी है। और साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी समेत पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को यकीन था कि इंग्लैंड हमारी मदद को आएगा, लेकिन इंग्लैंड ने भी पाकिस्तान को ऐन मौके पर धोखा देकर पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान देने की। अब रमीज राजा क्या कहते हैं कि जी इंग्लैंड का फैसला मुतवक्के था क्योंकि वेस्टर्न ब्लॉक बदकिस्मती से इकट्ठा हो जाता है, एक दूसरे को बैक करने की कोशिश, सिक्योरिटी की बुनियाद पर कोई भी फैसला कर लेते हैं। अब आप जरा अंदाजा करें, अंदाजा किया जा सकता है कि क्रिकेट की दुनिया में भी पाकिस्तान के खिलाफ कितने हरीफ इकट्ठे होगा। लेकिन क्रिकेट के जो रमीज राजा उन्होंने बकायदा दो टोक अंदाज में बताया है कि जी अगर हमें इसी तरह ब्लॉक बनाकर रोका गया तो हम भी आगे चलकर किसी का लिहाज नहीं करेंगे, करना भी नहीं चाहिए, सही कहते हैं। और इन्होंने अपने ख्याल का इजहार करते हुए मजीद ये कहा है, जरा सुनिएगा, वो कहते हैं कि जी हमें गुस्सा ये था कि पहले न्यूजीलैंड की टीम चली गई और शेयर भी नहीं की कि उन्हें आखिर थ्रेट था क्या, उन्हें पता है कि हमारी सिक्योरिटी एजेंसी किस मियार का काम करती हैं। अच्छा रमीज राजा बकायदा इस अजम का इजहार कर रहे हैं कि अब हम भी वहां तक जाएंगे जहां तक हमारा फायदा। अब ऑस्ट्रेलिया ने भी पाकिस्तान का दौरा करना है, लेकिन अब इसी खदशे का इजहार किया जा रहा है कि न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की तरह ऑस्ट्रेलिया भी शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश करेगा और फिर इस सूरत हाल में ऑस्ट्रेलिया के पास भी सिक्योरिटी खदशात का हथियार होगा जिसको वो इस्तेमाल करेगा। और जैसा कि रमीज राजा ऑलरेडी बता चुके हैं कि ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड और इंग्लैंड का सारा एक ही ब्लॉक है और ऐसे में पाकिस्तान गिला करे तो किससे करे, क्योंकि बदकिस्मती से कह लें कि पाकिस्तान की जो क्रिकेट है उसको जो लोग चोट लगा रहे हैं वही ना सिर्फ क्रिकेट में अपनी मोनोपोली बना। अच्छा एक और बात नाजुक, एक अहम बात कि जब PSL होती तब यही बैन अल-कौमी खिलाड़ी उसमें बड़े शौक से शामिल हो जाते हैं और उस वक्त इन्हें कोई सिक्योरिटी का कोई खदशा नहीं होता, कोई इशू नहीं होता, कोई प्रॉब्लम नहीं होता, कोई खतरा महसूस नहीं होता। क्यों नहीं होता जरा सोचिए, क्योंकि इन्हें डॉलर नजर आ रहे हो। और अब जिस इंग्लैंड की टीम ने सिक्योरिटी को बुनियाद बनाकर पाकिस्तान आने से इनकार किया है उसकी अपनी सिक्योरिटी का हाल भी जरा सुन लीजिए। इसकी अपनी सिक्योरिटी का हाल ये है कि न्यूजीलैंड वुमेन क्रिकेट टीम को इंग्लैंड में बॉम्ब हमले की धमकी मिली, यानी इंग्लैंड ने अपना गिरेबान झांका नहीं और हमारी सिक्योरिटी पर चले सवाल उठाने, बड़ी होशियारी दिखा रहे हैं। अच्छा मारूफ क्रिकेट वेबसाइट क्रिक इन्फो के मुताबिक न्यूजीलैंड खवातीन क्रिकेट टीम को इंग्लैंड में धमकी आमेज पैगाम मौसूल हुआ है जिसके बाद न्यूजीलैंड टीम का ट्रेनिंग सेशन मनसूख कर दिया गया है और न्यूजीलैंड खवातीन टीम सीरीज के लिए इस वक्त इंग्लैंड में मौजूद है और धमकी आमेज पैगाम में होटल को बॉम्ब से उड़ा देने की धमकी, ये जो धमकी आमेज पैगाम है इसके बाद ये जो टीम है उसकी प्रैक्टिस मनसूख कर दी गई। लेकिन न्यूजीलैंड और इंग्लैंड खवातीन क्रिकेट टीमों का तीसरा वन डे मैच जो है वो ऑलरेडी स्केड्यूल के मुताबिक होने का इम्कान है क्योंकि हुकाम ने धमकी को गैर मुसद्दिका करार दे दी है। लेकिन इतलात ये हैं कि खिलाड़ी बहुत ज्यादा खौफजद और वो तहफुजात का शिकार भी हैं। अच्छा इंग्लैंड में न्यूजीलैंड को धमकियां मिल, लेकिन यहाँ न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम ने दौरा मनसूख नहीं किया, जरा आप गौर की, दौरा मनसूख नहीं किया, खौफजद हैं खिलाड़ी रहे लेकिन दौरा मनसूख नहीं किया। अब ये मुनाफिकत नहीं है तो और क्या है? और इससे ये बात भी साबित हो जाती है कि न्यूजीलैंड इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया कैसे क्रिकेट की दुनिया पर अपना राज कायम करने के लिए किस किस तरह की पॉलिटिक्स, किस किस तरह की साजिशें कर रहे हैं। अच्छा रमीज राजा कह रहे हैं कि जी न्यूजीलैंड की दस्तबरदारी के बारे में खतों किताबत शुरू कर दी गई और हमें यकीन है कि जी कंपेंसेशन भी मिलेगी और यानी पाकिस्तान मुश्किल वक्त में घबरा नहीं रहा बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट के लिए मुश्किल पैदा करने वालों को अगर मैं कहूँ कि भरपूर जवाब दे रहा है तो बिल्कुल सही है, भरपूर जवाब दिया जा रहा है और रमीज राजा साहब की बातों से बड़ा हौसला मिल रहा है तमाम शायकीन को जो कि दुखी हैं जितने भी शायकीन क्रिकेट हैं। अच्छा असल में जो सारी गेम है ना ये इसलिए हो रही है क्योंकि पाकिस्तान ने ना अमरीका को क्या कहा था, नो मोर टी नॉट कहा था और चूंकि हर चीज की कीमत होती है और सच की तो फिर बहुत कीमत होती है और अदा भी करनी पड़ती है और पाकिस्तान अपनी क्रिकेट की कुर्बानी देकर ये कीमत अदा। सोशल मीडिया पर ये जो प्राइस ऑफ एब्सोल्युटली नॉट इसका ट्रेंड चल, इसका मतलब क्या निकलता है कि पाकिस्तान को अमेरिका के आगे सर ना झुकाने की सजा दी जाए और वजीर इत्तला भी इस बात की तस्दीक करें। फवाद चौधरी साहब का क्लिप होगा, टीम जरा चलाइए। सुना आपने चौधरी साहब को, इस बात में कोई शक नहीं, कोई भी शक नहीं कि जी भारत पाकिस्तान के खिलाफ जाली खबरों के जरिए कहता है और ऐसे में न्यूजीलैंड इंग्लैंड पाकिस्तान में क्रिकेट ना खेलने का जो फैसला है यही साजिश का हिस्सा लगता है।
और सबसे अहम बात कि अफगानिस्तान में अमेरिका समेत जो पूरी नेटो फौज है उसको शिकस्त, बुरी शिकस्त, और इसको जंग के मैदान में बकायदा मुंह की खाना पड़ी। और इस नेटो फौज में इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की फौजें भी। अब इसीलिए बात समझ जरा भी मुश्किल नहीं होनी चाहिए कि क्रिकेट की आड़ पाकिस्तान से कैसे कैसे बदले लेने की कोशिश, और भारत भी इस गेम का हिस्सा। और भारत को तो गेमिंग करने का बड़ा शौक है, आपको पता है। लेकिन अब खबरें सामने की आ रही है कि जी प्राइम मिनिस्टर ने दौरा न्यूजीलैंड और इंग्लैंड मंसूखी में बैरूनी साजिशों का पर्दा चाकने का फैसला, और वजीर आजम ने शेख रशीद फवाद चौधरी को दुनिया के सामने हकायक लाने की भी हिदायत। और वैसे भी अब मगरबी ये जो ये साजिशें हैं इनका पर्दा चाक करने का बकायदा सिलसिला शुरू हो चुका। और एक बरतानवी सहाफी है, उन्होंने बरतानिया के दौरे की मनसूखी को सोची समझी साजिश करार दे दी। हम अपनी जान जोखों में डाल सकते हैं, पीए क्रू या हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज या हमारी फौज या हमारे लोग, हमारी हर सतह की गवर्नमेंट की हर सतह के लोग आपकी मदद के लिए पहुंच सकते हैं। आप 12 लड़के नहीं भेज सकते हो? हाँ, और 12 लड़कों को जो स्टेट सिक्योरिटी देते हैं आप, परिंदा पर नहीं मार सकते, आप और मैं नहीं जा सकते बस के करीब। वहां पे आप ट्यूबों में घूम रहे होते हैं। हाँ जी, बात ये है कि देखें यार, बंदा वही काम का है जो काम के वक्त काम आए। ये नहीं होता कि आपने देखें, वी आर ऑनरेबल मेंबर ऑफ आईसीसी, फुल मेंबर ऑफ द आईसीसी, फुल मेंबर ऑफ आईसीसी, टी20 वर्ल्ड चैंपियंस, वर्ल्ड कप चैंपियन, ठीक है। आपने बेसिकली इमेज ऑफ पाकिस्तान को टॉनिश किया है, ये पाकिस्तान क्रिकेट को टॉनिश नहीं किया। आपको क्या लगता है कि हमारी फौज केपेबल नहीं, हमारी इंटेलिजेंस केपेबल नहीं, कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जो आपको वादा किया है आपसे, तो आपको ये नहीं लगता कि हम अपनी जान जोखिम में डालकर आपकी सेफ्टी के लिए जान दे देंगे? ठीक है, क्या हमने वर्ल्ड वॉर ऑन टेररिज्म पे हमने क्या 20 साल पे जाने नहीं गवाई? ठीक है, बात ये है कि तुम जब इतना सारा कुछ देख लेते हो, तुम्हारी मदद करने का नतीजा ये निकला है आखिर में कि आप हमें बिल्कुल चौराहे में खड़ा होकर गंदा करके चले जाएं। ये वही है कि पीछे देखा मुड़के तो कोई नहीं है, ठीक है ना। कोई बात नहीं, ये कारमा है, दुनिया गोल है, चक्कर घूम के वापस आता है। कल तुम्हें भी हमारी जरूरत पड़ेगी, कल तुम्हारा भी, अल्लाह ना करे कोई भी जान जाया हो, हम इसके हक में नहीं है। आपको थ्रेट थी, ठीक है, हम मानते हैं, हम ये जानते हैं, मानते हैं, चले ठीक है, आपकी बात ठीक होगी, आपकी रिपोर्ट ठीक होगी, लेकिन यार हमारी हमारे बूट ऑन द ग्राउंड है, हमसे बेहतर जानते हैं। शोएब, एक चीज क्लियर करूं, बहुत अच्छी बात की आपने, मुझे आप ये बताएं कि अगर तो आप पाकिस्तान आते ना, जैसे भी इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड है ना, दे डिड नॉट कम एंड दे सेड के हमने अपना नहीं आना फॉर सिक्योरिटी रीजन के, उनको क्लियरेंस नहीं मिली, ठीक, एक्सेप्टेबल। बट जो न्यूजीलैंड करके गया ना, दे हैव नॉट ओनली टार्निश्ड अस, दे हैव डेंटेड अस एंड दे हैव हर्ट अस। हाउ? कि आप यहाँ पे आके यूनिलैटरल डिसीजन लेके कैसे जा सकते हैं? मुझे आप ये समझाएं, मैं आपके घर आया हूँ तो मैं दरवाजा खोलूँ और बाहर निकल जाऊँ आपको बताए बगैर? बात ये है कि देखें, दिस इज, देखें, आपने नहीं आना था ना, ना आते प्लीज हमें डैमेज ना करें। आपने नहीं आना, कह दें जी हम नहीं आ सकते कोविड के टाइम में, छोड़ दें, सिक्योरिटी आपकी आई है यहाँ पे, हमने आपको तसल्लियां दी हैं, आपको डेमो करके दिखाया, हमने इससे पहले साउथ अफ्रीका करके दिखाया, वेस्ट इंडीज करके दिखाया, श्रीलंका करके दिखाया, जिम्बाब्वे करके दिखाया, पीएसएल करके दिखाया, केपीएल करके दिखाया। भाई तुम क्या चाहते हो, क्या करें हम? उन्हीं की सिक्योरिटी ने क्लियरेंस दी, इन्हीं रेग डिक्रीज़ ने क्लियरेंस दी, और सडन हमें ख्वाब आई है कि हमें 10 मिनट पहले ख्वाब आई है कि नहीं जी वो बहुत मसला हो गया। क्या मसला हो गया? वो दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट इंटेलिजेंस एजेंसी दुनिया कहती है, ISI, तुम्हें उन पे इतबार नहीं है क्या? जब ड्यूक और डचेस आए थे ना लास्ट ईयर, तो यही सिक्योरिटी थी जो न्यूजीलैंड को दी हुई थी। हाँ, स्टेट सिक्योरिटी है। हाँ, स्टेट प्राइम मिनिस्टर जितना स्क्वाड दिया हुआ, क्या सिक्योरिटी एक्चुअली? देखो देखो, ये सिंपली पाकिस्तान को कॉर्नर करने की कोशिश की। आपका मतलब पॉलिटिकल कॉनोटेशन है? छोड़े यार, पॉलिटिकल कॉनोटेशन को छोड़े, मैं आपको देखे नुमान, मुझे अपना घर ठीक करना है, छोड़े दुनिया क्या करती है और क्या नहीं करती, देख लिया ना, वो ना आपके जाके आपकी बूथी पे मार दिया टूर्नामेंट अफसर, ठीक है, अब आपको करना क्या होगा यहाँ से? ये बात करते हैं, ठीक है ना, अभी करना क्या होगा नुमान? बात करते हैं, किधर जा रहे हैं? नहीं, बात करते हैं, बात ये कि एक मिनट ठहर जाए, वो साधन निकालने दें, अच्छा निकाल ले। हाँ यार, इमेज ऑफ पाकिस्तान डिस्ट्रॉय हो रहा है यहाँ पे, मतलब क्या मतलब कि वो मजाक है? हमने कहा 20 साल क्या झक मारी है यहाँ पे कि आप आग उठा के हमारी सारी रेपुटेशन का मलिया भुरता निकाल देंगे आप? हमने कहा जाने इसलिए दिए कि आप जाके हमें 10 मिनट पहले, आप टॉस से पहले आपके जी हम जा रहे हैं घर, ठीक, क्यों जा रहे हैं भाई, कैसे जा रहे हैं घर, आप आते ही ना नहीं यार। और दूसरा, ये सारे आपस में मिले हैं,
और हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, वर्ल्ड कप में ये हम सबक सिखाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, घंटा कुछ नहीं होना इनसे, कुछ नहीं होना, देख लेना ये हार जाएंगे। फिर भारत को नरेंद्र मोदी को रो की साजिश बताएंगे और फिर ऐसे घरों में टीवियां फोड़ेंगे। पहले भी बहुत फोड़ चुके हैं, हमेशा वर्ल्ड कप का रिकॉर्ड रहा है, कोई सा भी वर्ल्ड कप रहो पाकिस्तान कभी इंडिया से जीत ही नहीं पाई है और इस बार तो जीतने का चांस ही नहीं है क्योंकि उनकी पूरी टीम की टीम फिसट दी है। सारे चिट्ठियों से अंदर लोग आए हैं वर्ल्ड कप खेलने वाले, जिसमें आधे से ज्यादा लोगों को तो लोग जानते भी नहीं है पाकिस्तान के भी, तो संभावना कम है अख्तर साहब। और आपके भाई को चुल चढ़ी है ब्लॉगिंग करने की, आपके भाई ने बना लिया ब्लॉग चैनल, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, एक बार जाओ देखो, सब्सक्राइब करके रखो। आपका भाई जाके है लद्दाख और लद्दाख में जाके आपका भाई लद्दाख भगा भगा के नहीं दिखाएगा आपको, लद्दाख दिखाएगा आपको चलता हो लद्दाख, क्योंकि आपका भाई करके है मोटो ब्लॉगिंग, ठीक है। तो आपके भाई ने अभी एडिट करना शुरू नहीं किया, जब तक उसमें मेरे को 1000 सब्सक्राइबर नहीं होते तब तक मैं उसमें लद्दाख का वीडियो नहीं डालूंगा। इसके लिए ये आपका फर्ज बनता है, साथ में आपका कर्तव्य बनता है कि भाई को सपोर्ट करे। मैं ऐसे वीडियो बनाता रहता हूँ, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।